सभी के साथ साथ प्रेम पूर्वक नमस्कार के साथ साथ मेरे पास आज ग्लूका बूस्ट है नेचुरल कंपनी का और मेरे पास चोकर है। आप अपनी गाय को कैसे दोगे, किस तरीके से दोगे, किस लिए दिया जाता है, बहुत सारे आपके दिमाग में क्वेश्चन आते रहते हैं कि सर इसको क्या करें, किस लिए देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो भाई इसका पूरा प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊँ कैसे देना चाहिए। ठीक, सबसे पहले आप इसको एक बार नज़दीक ला के दिखा दें, ये ग्लूका बूस्ट है तो देख सकते हैं आप। तो एक नीचे मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दूँ, 750 रुपये का आता एक लीटर है। ठीक, आपको अप्रोक्स 700 रुपये तक का दे दिया, कोई सी भी आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हो, वेटनरी मेडिकल स्टोर से। मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है पशुपालन के लिए कैसे इसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। सबसे पहले हमें चोकर लेना है, जरा नज़दीक लाएँ। सबसे पहले हमें चोकर लेना है, तो चोकर ये हमारे पास गेहूँ का चोकर हो जाता है जी, ये हमारे पास गेहूँ का चोकर हो गया। और ये ग्लूका बूस्ट जब आप खोलोगे यहाँ से तो भाई ये आपको पूरी पैक मिलेगी। आप इसको ऐसे करना है, इसको यहाँ से इसको ओपन कर देना है और यहाँ पे एक चीज़ देखिए ज़रा, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा 1000 ml, 100 ml और यहाँ 800 ml, यानी कि पर डे आपको कितना 200 ml यहाँ पे लिखा होगा, आपके पशु को 200 ml देना चाहिए। किस लिए देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, पूरी इस वीडियो में बताऊँगा। तो ज़रा नज़दीक ला कर दिखाएँ आप भाई। सबसे पहले हम चोकर लेते हैं, चोकर हम रखते हैं यहाँ पर और हम 200 ml इसमें डालेंगे ग्लूका बूस्ट, कितना 200 ml। तो ये जो 200 ml हमारा हो गया, 200 ml यहाँ होता है जी, एक मिनट। तो जी ये हमारा 200 ml हो गया पूरा जी, हम 200 ml अपने पशु को दे दे रहे। इसको हल्का सा मिक्स कर देना, आपको मिक्स करके छोड़ देना, आपके पशु इसको खा लेगी, थोड़ी देर आराम से रहेगी वो इसको खा लेगी। ठीक, आप इसको ऐसा छोड़ दें, ये आराम से खा लेगी। तो जी ये ग्लूका बूस्ट जो है हमें क्यों देना चाहिए, मैं आपको पहले बता दूँ, एक एनर्जी का काम करता है। जब आपके पशु गाभन होती है, जब आपके पशु स्ट्रेस होता है, जब आपके पशु थकावट होता है, जब आपके पशु बहुत ज़्यादा थकी हुई महसूस करती है, जब आपके पशु को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होता है, जिस पशु का दूध नहीं बढ़ पाता है, जिस पशु में दूध बढ़ने की समस्या के साथ साथ बहुत सारी परेशानियां होती है कि भाई उनका क्यों नहीं दूध बढ़ पा रहा है, तो बहुत सारी समस्या आप आपको देखने को मिल जाती है किसान साथ। तो उसके लिए हमें ग्लूका बूस्ट देना चाहिए कि आपके जो पशु का अर्डर है, जिस पशु का दूध कम आ रहा है, जो पशु मिल्क प्रोडक्शन कम कर रही है, जिस पशु को दूध में कमी आ रही है, जिस पशु को कमजोर है, जो पशु उठने बैठने से कमजोर है, जिस पशु को आयरन नहीं बन पा रहा, उसके लिए प्रॉपर आपको दे रहे हैं। ये थोड़ी तेलहन चीज होती है, थोड़ा आप इसको दे देने के बाद थोड़ा सा रुक जाया करें, आप अपने पशु के पास हट जाया करें, वो आराम से उसको खा लेगी, थोड़ा समय लगेगा लेकिन वो खा लेती है। तो इसको आप दे सकते हो, तो ग्लूका बूस्ट है किसान साथियों, इसको आपको देना चाहिए। देने की जो विधि मैंने आपको बताई आप इस तरीके से दे सकते हो, या आप किसी इसको फीड में मिक्स करके आप दे सकते हो, किसी भी तरीके से आप इसको पिला सकते हो। देने का जो तरीका होता है आप जिस तरीके से, या तो नाल के जरिए पिला सकते हो, या फिर मान लो चोकर मिक्स करके आप इसको दे सकते हो, तो आपकी मर्जी, आप इसको कैसे भी दे सकते हो किसान साथियों। तो हम बात करते हैं जी ग्लूका बूस्ट देने के जो फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है कि अगर आपके पशु कहीं से नंगड़ा उंगड़ा के चल रही है, उठने बैठने में तकलीफ हो रहा है, उस जगह पर दे सकते हो। मेरी पशु एक गाभन है तो आप गाभन पशु को भी दे सकते हो ग्लूका बूस्ट। ग्लूका बूस्ट से क्या, अपनी गाय को जो है प्रॉपर, अगर आपके पास भैंस है तो अच्छी नस्ल की है तो आप उसको 200 ml दे सकते हो, अगर वो छोटी नस्ल की है तो आप उसको 100 ml दे सकते हो किसान साथियों। तो ये आपको डिपेंड करता है कि आपके पशु कौन सी नस्ल की है। ये बड़ी नस्ल की है तो आप इसको 200 ml आप दे सकते हो किसान साथियों। 200 ml जो देने का तरीका मैंने आपको बताया, आप उस तरीके से प्रॉपर इसको दें, कोई तरह की इसमें दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हालांकि पशु थोड़ा सा छिटकती है खाने पीने में, लेकिन इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप इसको 200 ml थोड़ी देर रुक के यहाँ से हट जाओगे तो आप अपने पशु को देखोगे तो थोड़ी देर बाद इसको एक आराम से खा जाएंगे। ये जो है हमारे पास ग्लूका बूस्ट से मिक्स है चोकर में, तो इसको थोड़ा देर बाद रुक के खा जाएंगे। थोड़ा सा ये परहेज कर रही है क्योंकि मैं इनके सामने मुँह थोड़ा सा खा नहीं रही है। तो चाहे आप देखें किसान, जो पशु आपके पास है गाय या भैंस है, आप उसको प्रॉपर दें, इससे आपके पशु का दूध बढ़ जाता है। जिस पशु को परेशानी हो रही है उठने बैठने में चलने फिरने, उसके लिए जिस पशु का ब्लड कमज़ोर है, आयरन है, जिन पशु को घुटने में बीमारी वगैरह हो जाते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी आप दे सकते हो। जिस पशु को दूध कम हो रहा है, जिस पशु का मान लीजिए थकावट बहुत ज़्यादा है, जिस पशु को मान लिया जाए धूप बहुत ज़्यादा है, धूप में वो कुछ कर नहीं पा रहे, धूप में यानी कि स्ट्रेस में आ रही है, तनाव में आ रही है, तो उस जगह आप इसको दे सकते हो किसान साथ। तो उसको आप प्रॉपर आप अपने पशु को ये जो है आपको 200 ml है, आप 200 से यानी कि एक तो 600 ml का आता है, एक 1 लीटर का आता है, एक आपको 2 लीटर का भी आता है। तो आप इसको 1 लीटर वाली जो है आप इसको ले लें और प्रतिदिन आप अगर 100 ml आपको पिलाना, जिसमें अगर आपके पशु ने बच्चा दे दिया, बच्चा देने के बाद आपको करंट अगर बच्चा आपके पशु ने दिया है वो आप इसको नहीं देना है किसान साथ। अगर आपके पशु ताजी भी आई हुई है आप उसको बिल्कुल भी ना दें। अगर बच्चा देने वाली है तो उसको 5 दिन तक कंटिन्यू 200 ml करके आपको पिलाना है। आप देखोगे आपके जो पशु है आराम से खाएंगे पिएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा किसान साथियों। तो आप इसको इस तरीके से पिला सकते हो।
का बूस्ट जो है, जिससे कि इसमें आपने मिक्स देखा था, मैं आपको इसमें मिक्स है ग्लूका बूस्ट, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि आप अपने बकरी को खिला सकते हो नहीं खिला सकते हो। तो ग्लूका बूस्ट जो है हमारे बकरी को भी खिला जा सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ग्लूका बूस्ट अपने बकरी को भी दे सकते हैं। इसके देने का जो फायदा है, बकरी को ऊपर अच्छा रिजल्ट आता है। ये मेरी जो ब्लैक बंगाल बकरी है, अप्रोक्स 3 बच्चे दे इस बार दिए, 3 बच्चे दिए, तो आप इसको भी खिला सकते हो। खिलाने का तरीका बिल्कुल आसान है, देख सकते छोड़ नहीं रही है, तो आप इसको दे सकते हो। और इस बकरी को ऊपर हम ट्राई करते हैं, ये देखे जरा, ये भी खा रही है, सारी बकरी हमारी खा सकती है। तो आप अपने सारी बकरी को भी दे सकते हो, कोई तरह की दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसका तो आज सबसे बड़ा खराब है, अगर आप एक चीज़ को ना दो तो देखो, ये देखो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँ, इसके पैर देखना जरा आप, ये देखना मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं हट जाऊँ तो इस पैर को कितना पटकते से दो। तो ये बहुत शरारती है, ब्लैक बंगाल बकरी है, तो आप इसको प्रॉपर दे सकते हो, कोई तरह की दिक्कत परेशानी नहीं है। एनर्जी के काम करते, अच्छा खासा स्रोत है इसके अंदर, तो आप इसका प्रॉपर यूज जरूर किया करें, चाहे आपके पास गाय हो या बकरी हो या भैंस हो, आप उसके ऊपर इसका प्रॉपर यूज कर सकते हो। तो वीडियो कैसे लिए कमेंट जरूर बताएं, अगर आप इस चैनल पहले विजिट कर रहे हो प्यारा सा लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर लें। वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, अगर आप इस चैनल पहले विजिट करो प्यारा सा लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर लें दोस्तों। तो ये तो हो गया जी, बकरी को भी हम दे सकते हैं, गाय को भी दे सकते हैं, भैंस को भी दे सकते हैं। तो भाई अच्छी खासी स्रोत है इसके, 3-3 बच्चे जैसे मैंने आपको बताया ब्लैक बंगाल का। तो अगर आप उसके ऊपर फुल बकरी को मैं क्या फीड देता हूँ, दाना पीना देता हूँ, अगर आप कमेंट करो तो उसके लिए प्रॉपर वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो फिलहाल तो ये तो था जी ग्लूका बूस्ट के बारे में कि हमें कैसे देना है नहीं देना है। प्रॉपर मैंने आपको बताया कि गाय को भी दे सकते हो, बकरी को भी दे सकते हो, भैंस को भी दे सकते हो। तो कमेंट जरूर बताएं, आपको इन्फॉर्मेशन पता था या नहीं पता था, कमेंट करें आप। मेरे अभन पशु को भी आप दे सकते हो, इसका मैं एक बार ऑर्डर दिखाता हूँ। ऑर्डर देखोगे तो भाई इसकी जो ऑर्डर में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो गया है। अगर मैं इसके पीछे से दिखाऊँ तो आप पीछे से देख सकते हो, यहाँ पर इनका ऑर्डर सूजन आना स्टार्ट हो गया, मतलब हमारी गाय अच्छी खासी अब यानी कि जो है 2-4-10 दिन के अंदर बच्चा दे देगी। तो आप इसको दे सकते हो, साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखो इस साइड से देखोगे, इस साइड से के साथ साथ आपको अच्छी खासी उभरी भरी देखने को मिल जाती है। तो ग्लूका बूस्ट आप दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने पशु को दें। इसका ऑर्डर एक बार जरूर चेक करें, मैं आपको ऑर्डर चेक करवाता हूँ। तो आप इसको अच्छा खासा इसको इस तरह से आप दे के आप अपने दुधारू पशु को दें जरूर, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा इसमें पशु को बढ़ाता है, जिससे पशु को आयरन विटामिन की जो भी कमी होती है सारा स्रोत उसको मिल जाता है। तो आप इसको जरूर दें। साथ साथ मैं आपको कुछ बता दूँ, ये कोई रिस्पॉन्सर वीडियो नहीं था कि साथ साथ ग्लूका बूस्ट का, जो कि मैंने आपको दवाई के बारे में बताया था, ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है जो मैंने साथ शेयर किया। अगर आप मेरी बकरी को देखोगे तो जो मैंने अपनी बकरी को दिया था तो बकरी ने भी पूरा फिनिश कर दिया है, बकरी भी खा चुकी है, आप ये चीज़ देख सकते हो। यहाँ पर जो मैंने बकरी को दिया बकरी ने खा लिया, तो यहाँ पर हम अपने बच्चों को सबको दे रहे हैं तो सब खा लेते हैं, यहाँ पर कोई तरह का दिक्कत देखने को नहीं मिलता है जी। तो आपके पास गाय हो या भैंस हो या बकरी हो, आप उसके ऊपर प्रॉपर इसका यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो कैसे लिए कॉमेंट जरूर बताएं, अगर आप इस पहले विजिट कर प्यास लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, बंदे मातरम, राधे राधे जी।